हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो है बच्चों का स्कूल है, अभी स्कूल शुरू होते ही बच्चों का ना एग्ज़ाम भी शुरू हो गया है। तो आप लोग ज़रूर बताना आप लोगों के बच्चों का एग्ज़ाम शुरू हो चुका है या होने वाला है। तो अभी काफ़ी ज़्यादा बिजी चल रही हूँ, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि दो दिन पर तो एटलीस्ट मेरे व्लॉग जाए आप सभी लोगों के लिए। हालांकि इस टाइम पे थोड़ा मुश्किल है, दोनों बच्चों का एग्ज़ाम और उनको पढ़ाना, फिर ये एडिटिंग, मेरा ज़्यादा जो टाइम होता है कई बार वीडियो पेंडिंग हो जाता है वॉइस ओवर के वजह से। तो या एनीवेज़ यहाँ पर मैंने पैनकेक बनाया और यहाँ पर मैरिनेट किया था रात को ही मैंने पनीर को, कर्ड वगैरह में डाल के जो बेसिक मसाले होते हैं, ब्लैक सॉल्ट, चाट मसाला डाल के। और यहाँ पर हम लोग अपने लिए बनाए हैं, थोड़ा सा ये अजीब सा हो गया, मैसी हो गया, टूट गया थोड़ा। तो यहाँ पर रागी का डोसा कह सकते हो या चीला, तो वैसा कुछ बना दिया मैंने अचानक से। ऐसा कोई प्लान नहीं था बट हाँ, अचानक से मेरा दिमाग में आया कि चलो यही बना लेते हैं। पूरी या फिर पराठा से ज़्यादा अच्छा होगा ये रागी का खाना, तो काफ़ी हेल्दी हो गया। और इसमें मैंने स्टफिंग वही जो मैरिनेट किया था ना वही डाला था मैंने, पनीर का। अब देखो स्माइल कर रहा है, पेट दर्द ठीक हुआ नहीं? हो ही रहा है। अच्छा, तो यहाँ पर जो है नीरव, आप सोचो घर पे कैसे है, तो ध्यान से स्कूल में है। नीरव भी बस स्टैंड पे गया था बट सुबह उसको घर पे ही एक बार ना वॉमिटिंग हो गया, उसके बाद फिर वहाँ स्टैंड पे भी हुआ, पेट में भी बहुत दर्द हो रहा, तो मैं उसे वापस लेकर आ गई, उसका भी टिफ़िन पैक कर दी थी सब कुछ। एंड यहाँ पर वहीं से बस स्टैंड के पास से ये सिंगोनियम का मैंने ना ऐसे देखा, ब्रांच थे ना, तो उसी में से एक मैंने दो ब्रांच तोड़ लिए और उन्हीं दो का देख सकते हो कितना अच्छा मैंने बना लिए, कितने सारे प्लांट बना लिए। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद मैंने किचन की काफ़ी ज़्यादा डीप क्लीनिंग की। देखो गवर्नमेंट क्वार्टर है ना, तो थोड़ा सा बार बार क्लीन करना पड़ता है क्योंकि आगे पीछे बहुत ही ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं, तो कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा आते हैं। जो ये वाला जो आप देख रहे हो ना ऊपर वाला काउंटर टॉप, जो सारे बास्केट रखे हैं, तो ये भी मैंने क्लीन करके तब ये सारे बास्केट रखे थे। एक बास्केट जो इस पर रेड वाला दिख रहा है ना, ग्रीन वाला, वो मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया रेड और ग्रीन वाला, क्योंकि मेरा ऑर्गेनाइज हो नहीं पा रहा था, सारी चीज़ें इधर उधर ना लुढ़कती रहती थी। तो मैंने एक अच्छे तरीके से बना दिया है कि कप एक सेक्शन में कप रखूँगी, एक बास्केट में मैं कटोरियाँ रखूँगी सारे। और हालाँकि मेरे पास बर्तन रेक रखने वाला रैक है टंगा हुआ बट स्टिल कम ही पड़ता है घर में। तो यहाँ पर एक और मैंने ये देख सकते हो बास्केट में ना ये सारे जो बेसिक मसाले होते हैं, जो कुछ कुछ जितने भी सीड्स होते हैं या फिर कुछ कुछ ऐसे मसाले, तो उसको मैंने अलग रखा ताकि मुझे याद रहे कि हाँ ये मसाले छोटे छोटे डब्बे ना बड़े डब्बों के साथ वो गुम हो जाते, तो उनको मैंने छोटे वाले को बिल्कुल सेपरेट रख दिया है। और यहाँ पर मैं आज इन सभी को फिर से क्लीन करने वाली हूँ, इनको मैं मतलब हफ्ते में एक बार डीप क्लीन करती हूँ, सफाई तो ऐसे करती हूँ कपड़े से वाइप, बट हफ्ते में या 10 दिन पर इसको मैं ना ऐसे स्क्रब से क्लीन करती हूँ बिल्कुल रब करके। और सारे बोतल जो है खाली हो गए थे मेरे ऑयल वाले, उनको भी आज मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लीन कर दिया। इन सबको करते करते मेरा काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि जब बोतल करते हैं ना तो इसको बहुत अच्छे से हमें क्लीन करना होता है, कहीं कुछ ऐसा रह ना जाए सोप वगैरह का, तो मुझे बहुत डर लगता है। तो इसीलिए मैंने अच्छे तरीके से क्लीन कर दिया है, जितने भी मेरे जार थे, बर्नी थे, उन सभी को अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया। और सारे बास्केट मैंने आज वॉश किए थे, तो बर्तन देख सकते हो कितना ज़्यादा पहाड़ हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ी देर के मतलब बाद में इसमें किचन में आई, पहले इनको मैंने सूखने दिया, उसके बाद मैं कपड़े से साफ़ करके फिर सभी को अपनी जगह पे लगा दिया, क्योंकि लंच भी बनाना था। और आज सबसे तो बुरा ये हुआ कि जो मेरी मेड है वो आई नहीं झाड़ू पोछा के लिए, मतलब मैं इतना वेट करी, मुझे लगा शायद लेट भी आएगी, हल्का सा बारिश हुआ था बट मतलब एक दो बूंद ही पड़ा होगा, बट वो आई नहीं, मुझे नहीं बिल्कुल लगा था कि मतलब नहीं आएगी। तो सबकी मतलब यहाँ पे मेड आई बट वो नहीं आई थी, तो मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो गया। आज मैं मतलब काफ़ी सफाई करने बैठ गई, मेरे यहाँ पर मूंछ हो गया। तो नीरव घर पे था तो कुछ ना कुछ ज़िद कर रहा, कभी मुझे ये चाहिए कभी वो चाहिए, टिफ़िन में जो भी बना के दिया था वो तो खाया और उसमें से एक पैनकेक नहीं खाया, तो उसके बाद मुझे कह रहा थोड़ी देर में मैंगो चाहिए, मतलब अच्छा होता कि स्कूल भेज देती, घर पे था तो उतना भी ज़्यादा कुछ नहीं लग रहा था, तबीयत ठीक ही लग रहा था
लेकिन इस टाइम पे सारी जो भाभी थी सभी लोगों ने कहा कि ऐसे भेजो मत, तबीयत खराब है तो फिर क्या फ़ायदा लेकर आना पड़े, वहाँ पे बच्चे की तबीयत और ख़राब हो जाए, जो कि सही भी है। बट घर पे आकर वो थोड़ा ठीक होने लग गया था और बहुत परेशान भी कर रहा था। तो यहाँ पर मिल्क वाला आ गया और मिल्क आज पनीर नहीं बनेगा, आपने मेरे कई बार वीडियो में देखा ही होगा, बट अभी पनीर ऑलरेडी मेरे पास फ्रिज में है कल का बनाया हुआ, तो आज नहीं बनाऊँगी मैं, मिल्क बॉईल कर लूँगी। जब मुझे पनीर बनाना होता है तो कभी कभी एक्स्ट्रा मिल्क ले लेती हूँ, और अभी आजकल बच्चे वैसे भी मिल्क नहीं पी रहे तो एक्स्ट्रा मिल्क रहता ही है। और बस सभी चीज़ों को मैं अपनी जगह पर रख रही हूँ, और यहाँ नीरव जो है बार बार आके कह रहा है मम्मा बहुत बोर हो रहा हूँ बहुत ज़्यादा, ध्यान कब आएगा कब आएगा, मुझे उसके साथ खेलना है। वो घर में एक्चुअली सच में बोर हो रहा था, थोड़ा बहुत उसने होमवर्क वगैरह किया, थोड़ा बहुत पढ़ाई किया, बट फिर भी मैं तो अपने काम में लगी हुई थी ना, किचन भी मैंने पूरा मतलब धुल दिया, नीचे जो है ना मैंने ऐसे विम लिक्विड डाल के स्क्रब करके नीचे पूरा मैंने धुल दिया था। वो क्लिप मैंने लिया नहीं है, बहुत सारे ऐसे काम थे, बहुत सारे जगह मैंने ऑर्गेनाइज किए हॉल में भी लिविंग रूम में, बट वो चीज़ें मैंने शूट नहीं किया है क्योंकि किचन का ही मेरा मेन था कि मैं दिखाऊं, और सभी चीज़ों को अपनी जगह पर रख दिया है। बहुत कुछ हो गया था काम, और ऊपर से फिर मैंने खाना थोड़ा सिंपल रखा है, वो आप ज़रूर देखना, बट बहुत टेस्टी था। और कपड़े थोड़े एक दो थे तो उनको फोल्ड कर दिया, और ये वाला टेबल तो इतना फैलता है मैं क्या बताऊँ, मतलब बुक्स पढ़ाई नीरव इसमें जो शार्प करता है ना पेंसिल तो सारे फैला देता है, यहाँ पे कलर वगैरह इतना फैल जाता है। और तो वही चीज़ों को अपनी जगह पर जब तक ना रख दूँ ना तो बहुत ही ज़्यादा दिमाग में टेंशन होने लगती है मुझे देख देख कर। और अभी देखो थोड़ा साफ़ हो गया तो सब कुछ अच्छा लग रहा है ना, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर किचन का जो काउंटर टॉप है ना वहाँ मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ चेंजेस लाऊँ कुछ, तो अभी मैंने अमेज़ोन से कुछ ऑर्डर भी किया है, तो आप लोग ज़रूर देखना कि मैंने क्या ऑर्डर किया है। और यहाँ पर फ़िलहाल मैंने दाल जो है तुअर की दाल उसको मैंने चढ़ा दिया है, मैंने सोचा एटलीस्ट दाल बनता रहेगा ना तो मेरा टेंशन थोड़ा कम हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने देखा कि साग है तो इसको मैं पहले बना लेती हूँ, चौलाई की साग। और ध्यांश को आज बहुत चोट लग गई थी, उसके फ्रेंड हैप्पी ने उसको थोड़ा गिरा दिया था। तो ध्यांश करने नहीं दे रहा था, उसे एक्चुअली बहुत दर्द भी हो रहा था। तो ध्यान को कैसे भी मैंने सेवलोन लगाकर मैंने कहा चलो टीवी देख लो, थोड़ा सा टीवी देख के ना ध्यान जो है उसका मतलब डाइवर्ट हो गया और वो चुप भी हो गया था। और यहाँ पर मैं आ गई कुकिंग करने, तो आज बैंगन हाफ रखा हुआ था तो मैंने सोचा उसके पकौड़े बना लेती हूँ। तो यहाँ पर ये जो रबड़ होते ना साग में मिलते तो उनको मैं फेंकती नहीं, इस तरीके से मसाले में ना बंद करके इस तरीके से रख देती हूँ। वैसे भी मानसून चल रहा है तो सारे मसालों को ध्यान से रखना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली फ्रिज में इस टाइम पर तो रख ही देना चाहिए, ख़राब नहीं होता है। एंड देन यहाँ पर मैंने थोड़ा साग भी बना लेते हैं। अनियन बस यहाँ पर आपको सरसों तेल में ना थोड़ा सा मैंने रेड चिली डाला, अनियन डाला और साग डाल दो, बस इसमें सॉल्ट डालना है और कुछ भी नहीं, ये बहुत अच्छे से पक जाता है। और पकौड़े के लिए सिंपल जो भी बेसन में पकौड़े होते हैं मैंने सोचा वो बना देती हूँ, क्योंकि बच्चों को बेसन के पकौड़े अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने अजवाइन भी डाल दिया है ताकि थोड़ा डाइजेस्ट हो जाए, और जो बेसिक मसाले होते हैं हल्दी पाउडर धनिया पाउडर चिली पाउडर डाल दिए हैं, और थोड़ा सा मैंने गार्लिक जिंजर का पेस्ट डाल दिया, इससे थोड़ा सा टेस्ट बढ़ जाता है। एंड अगेन थोड़ा फ्लेवर के लिए मैंने इसमें कसूरी मेथी डाला है, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको हमें स्मूद एक पेस्ट बना लेना है। तो यहाँ पर मैंने गाढ़ा ही रखा है थोड़ा सा, ताकि जो भी चीज़ में आप करोगे उस पर कोटिंग अच्छी हो सके। यहाँ पर काफ़ी मैंने कम ऑयल डाला था तो थोड़ा साग लग भी रहा था, बट थोड़ी देर में वो गल जाता है। इस तरह खाना थोड़ा कम ही ऑयल में बनाओ तो ज़्यादा सही होता है, कभी कभार थोड़ा ऑयल डाल दो तो ठीक रहता है, अदरवाइज़ मैं सिंपल खाना जब बनाती तो ऑयल कम ही डालती हूँ। और दाल भी मैंने बना दी तो तड़का भी डाल दिया है, और बहुत ही सिंपल रखा क्योंकि मैंने जैसा कि बताया मेड नहीं आई थी, तो फिर मुझे झाड़ू पोछा लगाने बैठ गई मैं, बहुत काम हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, एक उधर अलग अलग एरिया को मैं क्लीन करने चली गई ना तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, मतलब मैं क्या बताऊँ आज, मतलब बहुत ही ज़्यादा टायरिंग भी था, तो ज़्यादा मैंने कुछ भी ऐसा नहीं बनाया। मैंने सोचा तो था कुछ अच्छा बनाने का लेकिन टाइम नहीं था, तो इसी वजह से मैंने सिंपल खाना रखा।
यहाँ पर मैंने सारे पकोड़े वन बाय वन फ्राई कर लिए, और बाद में मुझे लगा कि चलो आलू के भी पकोड़े बना देती हूँ। अगर बच्चों ने बैंगन के नहीं खाए तो नीरव को तो अच्छा लगता है, वो बोलता है अभी रहता है, मम्मा मुझे एक प्लांट का सब्जी दो, एक प्लांट का, तो उसे अच्छा लगता है। लेकिन ध्यानश को आलू के ही अच्छे लगते हैं, तो उसके लिए मैंने आलू के, और काफ़ी ज़्यादा वो खाया भी आलू के पकोड़े। बाद में मैंने फिर एक बैच और फ्राई किए थे, तो मतलब स्पेशली ध्यानश के लिए। और यहाँ पर मैं अब खा लूँगी, कभी बच्चों को पहले खिला देती हूँ, कभी मैं खा लेती हूँ अगर बच्चों का मन नहीं है तो। तो बस यही था आज के व्लॉग में, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ एक और मज़ेदार नए व्लॉग में, टिल देन बाय, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।